सो अस्सलामुअलैकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो पिछले वीडियोस थे हम पहुंचे थे अप टू दिस टॉपिक दैट इज़ फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स एंड नाउ इन दिस वीडियो विल बी डीलिंग विद द मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ठीक है, सो इट्स अ शॉर्ट वीडियो एंड जितनी भी एनसीईआरटी पे इंफॉर्मेशन दी हुई है और जितने भी कंसेप्ट दिए गए हैं इसमें हम वो समझाएंगे और डायग्राम के थ्रू जो एनसीईआरटी पे इस पर डायग्राम दी हुई है तो उसको भी हम देखेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। सो लेट्स टाटा डिस्कशन। देखो, बिफोर गोइंग टू द डायग्राम हम थोड़ी थ्योरी इसकी डिस्कस करेंगे सो दैट डायग्राम को समझने के लिए हमें आसानी हो। तो क्या है, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। ये पहला पॉइंट है किस पे, एनसीईआरटी पे। नाउ असली पॉइंट क्या है, विच इज हाई यील्डिंग, जो एक कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट होता है, इसके लिए कौन चीज़ रेस्पॉन्सिबल होता है। द लूप ऑफ हेनली एंड वेजा रेक्टा आर एक्चुअल रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ दिस फिल्ट्रेट। दैट इज द हेनलीज लूप एंड वेजा रेक्टा प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस फिल्ट्रेट। ठीक है, नाउ दिस द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलीज लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म ए काउंटर करंट। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है जो फ्लो है इन द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनली, दैट इज द डिसेंडिंग लिम एंड द असेंडिंग लिम, इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो, अगर आप कहीं पर भी एक सिस्टम दिया हुआ है आपको जहाँ पर इन फ्लो और आउट फ्लो एक तो अपोजिट डायरेक्शन में है, दूसरा वो पैरेलल है, और तीसरा वो नज़दीक है। ठीक है, ये तीन क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है किसी सिस्टम में, दैट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो दे आर अपोजिट, दे आर पैरेलल एंड दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, इसको हम बोलते हैं दे फॉर्म काउंटर करंट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है दैट द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलीज लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शंस, देयरफॉर दे फॉर्म ए काउंटर करंट। तो एक तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट होता है इट इज़ अचीव्ड बाय लूप ऑफ हेनली एंड वेजा रेक्टा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट होता है दो लिम्स में ऑफ लूप ऑफ हेनली वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, देयरफॉर वो बनाता है काउंटर करंट। फर्दर द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ द वेजा रेक्टा इज ऑल्सो इन द काउंटर करंट पैटर्न। देखो इस डायग्राम में ये नेफ्रॉन है और ये वेजा रेक्टा है, वेजा रेक्टा में भी आप देख सकते हो जो ब्लड का फ्लो है वो अपोजिट है ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर एंड एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये भी बनाता है काउंटर करंट। सो एक तो लूप ऑफ हेनली ने भी, लूप ऑफ हेनली एंड वेजा रेक्टा बोथ फॉर्म काउंटर करंट। अब इस काउंटर करंट का जो इसका जो फ़ायदा है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है, वो हम अगले पॉइंट्स में पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ पे ये याद रखना है दैट देयर इज़ काउंटर करंट इन लूप ऑफ हेनली एज वेल एज वेजा रेक्टा। ठीक है, अब देखो द प्रॉक्सिमिटी, ये बहुत हाई यील्डिंग पॉइंट है, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द लूप ऑफ हेनली एंड वेजा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द इनर मेडुला। देखो इसको समझने के लिए क्या आपको याद रखना है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। हमने पहले टॉपिक की हेडिंग क्या रखी, हमने हेडिंग रखी कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। देखो अगर हमें ये वाला फिल्ट्रेट यहाँ पे है, ठीक है, फिल्ट्रेट यहाँ नीचे आ रहा है, अगर हमें इस फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करना है, मतलब जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इसमें बढ़ानी है, देयरफॉर हमें वाटर निकालना है बाहर। ठीक है, वाटर निकालना है बाहर। अब वाटर कब बाहर निकलेगा, वाटर कहाँ पे बाहर निकलता है, वाटर बाहर आता है इस मेडुला में, है ना, मेडुला में बाहर आता है। अब वाटर कब इजीली बाहर आएगा, जब मेडुला की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज्ड होगी, जब मेडुला हाइपरटॉनिक होगा देन दैट ऑफ दिस फिल्ट्रेट, तब जाके जो है वाटर हाइपोटॉनिक से हाइपरटॉनिक की तरफ आएगा और कंसंट्रेशन होगी फिल्ट्रेट की। ठीक है, तो फॉर अचीविंग द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स, प्रीरिक्विजिट क्या है हमारे लिए, कि मेडुला की जो ऑस्मोलैरिटी है, जो इस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन द मेडुला, वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो मेडुला की ऑस्मोलैरिटी है, अगर आप देखोगे जब आप कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आओगे दिस ऑस्मोलैरिटी गेट्स इंक्रीज, अगर आप कॉर्टेक्स में देखोगे तो ये होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और अगर आप इनर मेडुला में देखोगे इट इज़ इंक्रीज अप टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब ये जो इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी है इस मेडुला की, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि ज़रूरी हैं कंसनट्रेशन के लिए, इट इज़ अचीव्ड बाई दिस काउंटर करंट इन
लूपा फैनली एंड वेज अरेक्टा एंड ऑल्सो द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन दम, दैट इज जो ये नज़दीक होते हैं एक दूसरे के, दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दिस हाइपर ऑस्मोलैरिटी इन द मेडुला. अब जो मैंने अभी आपको बोला सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए मेडुला में, तब जाके इसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, वो हम अगले पॉइंट्स में देखेंगे. लेकिन यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट मेडुला हैज़ टू बी हाइपर ऑस्मोलर एंड दिस हाइपर ऑस्मोलैरिटी इज अचीव्ड बाय द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूपा फैनली एंड वेज अरेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट प्रेजेंट इन दैम. और कितना इंक्रीज करता है, 4 times इंक्रीज करता है. कैसे, अगर आप कॉर्टेक्स में देखोगे तो जो ऑस्मोलैरिटी है इंटरस्टिशियम की वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है, और अगर आप मेडुला की बात करोगे, इनर मेडुला की बात करोगे, इट इज़ इंक्रीज्ड अप टू 1200 मिली ऑस्मोल. ठीक है, अब देखो जो मैंने अभी आपको बोला मेडुला की ऑस्मोलैरिटी, इस इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी तब इंक्रीज होगी जब सोल्यूट्स इसमें एक्यूमुलेट हो जाएंगे. अब जो 2 main सोल्यूट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ दिस मेडुला, वो होते हैं NaCl एंड यूरिया. ठीक है, सो वॉट आर द 2 solutes रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर ऑस्मोलैरिटी इन द मेडुला, दैट इज NaCl एंड यूरिया. अब देखो इस डायग्राम में हम देखेंगे ये जो NaCl है और यूरिया है ये कैसे एक्यूमुलेट होता है. देखो जब हमने इससे पहले लेक्चर देखा, हमने बोला जो असेंडिंग लिम्ब होती है इस लूपा फैनली की, वो होती हैं इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू सोल्यूट्स. ठीक है, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. देखो क्या होता है, जो NaCl हैं, जो असेंडिंग लिम्ब हैं, वहाँ से NaCl बाहर आता है, क्योंकि हमें पता है असेंडिंग लिम्ब क्या है, असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. तो अब असेंडिंग लिम्ब से NaCl बाहर आता है, ये जो NaCl है इट इज़ एक्सचेंज्ड विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेज अरेक्टा. तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फैनली से NaCl निकला और उसको वो कहाँ चला जाता है, इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेज अरेक्टा. ठीक है, अब देखो आप सपोज करो अगर वेज अरेक्टा सिट्रेट आर्टरी होती तो ये इस NaCl को कैरी अवे करती अपने साथ ही, लेकिन इट इज़ आल्सो यू शेप्ड. जो इसकी असेंडिंग लिम्ब है, इस असेंडिंग लिम्ब से ये NaCl फिर से वापस आता है इस मेडुला में, देयरफॉर ये NaCl जो है इट इज़ कैप्ट एट द लेवल ऑफ मेडुला, इट इज़ नॉट कैरीड अवे. तो NaCl की एक्यूमुलेशन हो गई. कैसे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फैनली से NaCl निकला, वो चला गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा वेज अरेक्टा में, और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वेज अरेक्टा है वो फिर से इस NaCl को वापस डाल देता है मेडुला में. ठीक है, तो ये हो गया हमारा NaCl पार्ट. अब देखो, अब जो यूरिया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो DCT के बाद क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट. अब जब कलेक्टिंग डक्ट मेडुला कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जा रहा होता है, ये वाटर और यूरिया जो है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में डाल देता है. इससे पहले वाले वीडियो में जो डायग्राम थी उसमें भी हमने देखा था, दिस यूरिया इट इज़ काइंड ऑफ रीअब्सॉर्ब्ड एट द लेवल ऑफ इनर मेडुला फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट. अब ये जो यूरिया है, यूरिया फिर से चला जाता है किसमें, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फैनली. अगले वाले पॉइंट्स से आपको आराम से समझ आ जाएगा, बट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले NaCl एंड यूरिया आर द 2 solutes रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुला. अब NaCl कैसे एक्यूमुलेट होता है, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फैनली होता है दैट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, देयरफॉर NaCl कम्स आउट इनटू द इंटरस्टिशियम, इट गेट्स इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेज अरेक्टा, एंड द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वेज अरेक्टा इट रिटर्न्स द NaCl बैक टू द इंटरस्टिशियम. सिमिलरली द यूरिया इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, इट गोज into the ascending limb of loop of Henle and again this collecting duct, देखो ये ऐसे साइकिल में चला जाता है, यूरिया यहाँ से चला जाएगा अब ascending limb of loop of Henle में, फिर से collecting duct और फिर से medullary interstitium. So आपने क्या देखा यहाँ पे, जो NaCl और यूरिया है they are kept in the medullary interstitium so that इसकी जो osmolarity है वो maintain रहे. जब इसकी osmolarity maintain रहेगी तब जाके water इस filtrate से बाहर आएगा और urine की concentration होगी. ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट्स को हम थ्योरी में लिखेंगे और आपको अब आएंगे अच्छे से समझ. देखो NaCl इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप. ठीक है, विच इज़ एक्सचेंज्ड विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेज अरेक्टा. जो मैंने आपको बोला NaCl बाहर आता है फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फैनली और चला जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेज अरेक्टा में. दिस NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वेज अरेक्टा. ये हमने इससे पहले डायग्राम में ये वाला पॉइंट भी देख लिया और समझ लिया. ठीक है, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फैनली विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग डक्ट. तो ये भी हमने देखा, यूरिया चला जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फैनली में, फिर कलेक्टिंग डक्ट से फिर से वापस आता है इसी इंटरस्टिशियम में.
Now, this transport of substances facilitated by a special arrangement of loop of Henle and Weyl reactor is called counter current mechanism. हमने पहले ही देखा कि counter current किसको बोलते हैं. अब ये जो counter current होता है इस किसमें इस loop of Henle और Weyl reactor में ये फैसिलिटेट करता है द एक्सचेंज ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंसेज. द सबस्टेंसेज आर NaCl एंड यूरिया. अब इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. देयरफॉर फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट द मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल द मैकेनिज्म सिग्निफिकेंट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म. ठीक है. दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम जो हमने देखा. अब प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प्स इन ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट दैट इज यूरिन. तो ये भी हमने देखा कि कब कंसंट्रेशन होगी, कब वाटर बाहर आएगा. ठीक है. अब ये वाला पॉइंट बहुत हाई यील्डिंग है, बहुत बार पूछा गया है दैट ह्यूमन किडनीज प्रोड्यूस 4 times कंसंट्रेटेड यूरिन देन इनिशियल फिल्ट्रेट. तो जो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो ऑस्मोलैरिटी होती है इंटरस्टिशियम की वो भी 4 times इंक्रीज होती है इस काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से. देयरफॉर जो कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन है वो भी अप्रॉक्सिमेटली होती हैं अप टू 4 times. ठीक है. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा. इट इज़ अ लिटिल कंसेप्चुअल. आपको बस लिमिट करना है खुद को यहीं तक और इससे आगे नहीं पूछेंगे इस टॉपिक से क्वेश्चन. सो बेस्ट ऑफ लक एंड कीप स्टडिंग एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो 11th में नीट में है. एंड कीप सपोर्टिंग. अल्लाह हाफिज़.